में एससी एसटी और सहारा इंडिया के हितग्राहियों ने अभिनंदन किया है। बता दें कि प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति की 12 जातियों के लोगों को केंद्र सरकार ने आरक्षण और अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की है, इसलिए इस वर्ग के लोगों ने शाह का अभिनंदन किया है। ये लोग सिर्फ मात्रात्मक भेद के कारण लाभ से वंचित थे। इसी तरह सहारा इंडिया के निवेशकों को राशि का भुगतान के लिए भी गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे हितग्राहियों को आसानी से राशि मिल सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया है कि सहारा महाराष्ट्र सहित प्रदेश की 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति और आरक्षण और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी तरह सहारा के निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ के हर जिले में दो दो काउंटर खोले जाएंगे। पीड़ित लोग काउंटर में पंजीयन के जरिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्र सरकार के इस पहल से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। जनजाति समाज के 12 जातियां जो अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित थी, उनके समस्याओं का निदान बहुत जल्दी होने वाला है। राज्यसभा में बिल आने के बाद कानून बन जाएगा और उन्हें आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। वो जातियां आज गृह मंत्री जी को आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आई। जनजाति समाज के 12 जातियां जो अनुसूचित ये कर्मचारी पूरी तरीके से इनके अंदर निराशा व्याप्त है। अब निराशा में अंतिम रूप से ये खून की चिट्ठी इनके नेताओं को लिख रहे हैं, केंद्रीय नेताओं को लिख रहे हैं, राजीव गांधी को लिख रहे हैं, राहुल गांधी को लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरा के पूरा सरकार के प्रति और मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास कर्मचारियों को बताता है।